फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो नीट के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? यार नीट के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में और प्रिपेयर करने के पर्सपेक्टिव में दोनों तरीके से बताता हूं मैं। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। बायो जितना आपने एनसीईआरटी अच्छे से रट लिया है, लाइन बाय लाइन रीड कर ली है, इनफैक्ट जो भी बॉक्सेस बनाए जाते हैं डायग्राम को भी अगर आपने समझ लिया है तो फिर बेटा आपका एनसीईआरटी के बाहर बायो में आता ही नहीं, चाहे वो बॉटनी हो जूलॉजी हो, और एनसीईआरटी इज द गॉड फॉर योर बायो। तो अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हो तो बायो आराम से हो सकती है। सिमिलर चीज गोज फॉर केमिस्ट्री अप टू 90-95% आपको इन दोनों बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर नहीं हो पाएगा, आपको एडिशनल मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और ऑफकोर्स ये बातें आप बायो से ले रहे हो क्योंकि आपको मैथ्स शायद पसंद नहीं होगा या तो बायो कुछ ज्यादा ही पसंद होगा, लेकिन फिजिक्स में इतने मैथ्स के होने के कारण बच्चों को इन जनरल नीट प्रिपेयर करने वाले बच्चों को फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसी वजह से 11 का फिजिक्स उनका बहुत डीलर भी रहता है। और आप बताइएगा कि आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन।